Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall discuss some definitions. Definition part first. In this part, I shall discuss आबादी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लेबर, भूमि प्रबंधक समिति, बोर्ड एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. पहले जो है मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज आबादी और विलेज आबादी. सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 लैंड रेवेन्यू कोड. आबादी और विलेज आबादी मींस सच एरिया इन ए विलेज, गांव का ऐसा क्षेत्र. ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस संहिता के लागू होने की तिथि पर, यानी 18 दिसंबर 2015 को लागू हुआ. इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पजेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स और पर्पजेज एंसिलरी देयर टू सच एज सहन एंड ग्रीन ट्रीज विलेज एटसेट्रा और विच मे हैव बीन आर बी हियर इन टर्म रिजर्व फॉर सच यूज. क्या मतलब हुआ? ऐसा एरिया किसका? उस गांव का. उस गांव का वह क्षेत्र या वह एरिया आबादी या ग्राम आबादी कहा जाता है, जिसका उपयोग 18 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित में से किन्हीं पर्पजों के लिए यूज किया जा रहा हो. नंबर 1, गांव वासियों के आवास के प्रयोजनार्थ, फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स और गांव वासियों के आवास के सहायक प्रयोजनार्थ. फॉर द पर्पजेज इज बींग यूज फॉर पर्पजेज ऑफ रेजिडेंस ऑफ इनहेबिटेंट और फॉर पर्पजेज एंसिलरी देयर टू सहायक प्रयोजनार्थ सच एज सहन, जैसे उदाहरणार्थ सहन, हरे वृक्षों या कुओं इत्यादि के प्रयोजनार्थ, है ना. तो क्या मतलब हुआ? ऐसा क्षेत्र, किसी गांव का वह क्षेत्र आबादी या ग्रामीण आबादी के अंतर्गत आता है, या ग्रामीण आबादी कहते हैं उस क्षेत्र को, जिसका उपयोग 18 दिसंबर 2015 को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था या आरक्षित किया गया था. कुछ पर्पजेज हैं उनके लिए यूज किया जा रहा था, उसके लिए रिजर्व था. कौन कौन सी चीज़ों के लिए? गाँव वासियों के आवास के प्रयोजनार्थ, गाँव वासियों के रहने के लिए जो है, हाँ, गाँव वासियों के आवास के सहायक प्रयोजनार्थ, गाँव वासियों के आवास के सहन, जैसे सहन मतलब होता है घर के आगे वाली खाली जगह, उसको सहन कहते हैं. सहन वह हरे वृक्षों, कुओं आदि के लिए किया जा रहा है. जो हरे वृक्ष हैं, कुआँ हैं, इनके उपयोग में किया जा रहा है, वो है जो है ग्रामीण आबादी या आबादी. फिर से समझ ले, ऐसा क्षेत्र आबादी या ग्रामीण आबादी कहा जाता है, जिसका उपयोग 15 दिसंबर 2016-15 को कुछ प्रयोजन दिए हुए उन प्रयोजन में तो यूज किया जा रहा है या उनके लिए रिजर्व किया गया था. पहला था गांव वासियों के आवास के प्रयोजनार्थ, गांव वासियों के रहने के प्रयोजन के लिए.
या गांव वासियों की आवास के सहायक प्रयोजन। सहायक प्रयोजन क्या है? घर के आगे की जगह, सहन, हरे वृक्ष लगे हुए हैं, कुआं है, हाँ, ये सब क्या है? सहायक प्रयोजनार्थ है। तो ये भी सब जो है आते हैं गांव वासियों के, वो जो है ग्रामीण आबादी या आबादी में के अंतर्गत। सेकंड है एग्रीकल्चर परिभाषा, दूसरी डिफिनेशन है परिभाषा, सेक्शन 4 क्लास सब सेक्शन 2। सेक्शन जो प्रावधान करती है, एग्रीकल्चर इंक्लूड्स हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पिसीकल्चर, फ्लोइंग फार्मिंग, बींग कीपिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। कहने का मतलब है कृषि उस भूमि को कहते हैं, और डिफाइन नहीं करती क्या क्या इंक्लूड है। सेक्शन 4-2 जो है सब सेक्शन 2 कृषि को परिभाषित न करके ये बताती है कि कृषि में क्या इंक्लूड है। तो क्या इंक्लूड है? किसी कुछ प्रयोजन है, उनके प्रयोजन के जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है वो कृषि के अंतर्गत मानी जाएगी इंक्लूड। नंबर 1 बागवानी यानी हार्टिकल्चर के उपयोग के लिए, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन पिसी कल्चर के लिए, फूलों की खेती फ्लावर फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। इनमें से किसी भी पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है जो क्षेत्र वो कृषि क्षेत्र में माना जाएगा। फिर है कृषि श्रमिक, श्रमिक कृषि श्रमिक क्या है? सेक्शन 4 क्लास 3 है, सब सेक्शन 3 है, एग्रीकल्चरल लेबर मीन्स अ पर्सन हुज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज मैनुअल लेबर आर एग्रीकल्चर लेबर। कौन शामिल है? ये भी वैसे जिसका एग्रीकल्चर लेबर उसको कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिस जीविका का मुख्य साधन खेतों में मजदूरी करना हो, खेतों में काम करना होता है, वो खेतिहर मजदूर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिनका काम जीविका के लिए खेतों में मजदूरी करना होता है वो खेतिहर लेबर कहलाते हैं, एग्रीकल्चर लेबर। सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 कहती है कृषि श्रमिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति है जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। कृषि जिसका मुख्य स्रोत कृषि पर शारीरिक श्रम है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति को कृषि श्रमिक कहते हैं जो जीविका के लिए कृषि भूमि या शारीरिक श्रम पर निर्भर करता है। कृषि भूमि कृषि खेती करता है या शारीरिक श्रम करता है। बैंक का तात्पर्य वही होगा जो उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियम अधिनियम 1976 में किया गया है। बैंक का भूमि प्रबंधक श्रमिक क्या है? संहिता की सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 कहती है भूमि प्रबंधक समिति यानी एलएमसी मीन्स भूमि प्रबंधक समिति कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 28 ए ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। धारा 4-5 केवल ये उल्लेख करती है कि भूमि प्रबंधक समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज 1947 की धारा 28 का के अधीन गठित किसी भूमि प्रबंधक समिति है। अब 28 क्या कहती है? ग्राम पंचायत ही भूमि प्रबंधक समिति होती है। ग्राम पंचायत में निहित भूमि का रख रखाव संरक्षण परिरक्षण का कार्य भूमि प्रबंधक समिति द्वारा किया जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रधान ही भूमि प्रबंधक समिति का प्रधान सभापति होगा। ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र का लेखपाल की लेखपाल ही भूमि प्रबंधक समिति का सचिव होगा। एंड लास्ट पर है फिर है कृषि का तात्पर्य धारा 7 के अधीन उपधारा 7 के अधीन सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 के अधीन गठित या गठित समझे जाने वाले राजस्व परिषद से है। इस प्रकार राजस्व परिषद को ही परिषद कहते हैं। 60 कहते हैं राजस्व परिषद ही, रेवेन्यू बोर्ड ही राजस्व परिषद है। पूर्त संस्था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 4 सब सेक्शन 7 पूर्त संकला चैरिटेबल मीन्स एनी एस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन फाउंड फॉर अ चैरिटेबल पर्पज एंड इंक्लूड स्पेसिफिक एंडोमेंट। पूर्त संस्था का तात्पर्य किसी ऐसे पूर्त प्रयोजन के लिए गठित किसी अधिष्ठान उपक्रम या संगठन का या संघ से है और उसके अंतर्गत शामिल है।
पूर्व क्षमता का तात्पर्य दानोत्तर प्रयोजन के लिए संगठित होगी गठित किसी अधिष्ठान उपक्रम संगठन या गांव से है। तो ये जो है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन थे, अधिष्ठान उपक्रम संगठन विनिर्दिष्ट विज्ञान विनिर्दिष्ट विन्यास भी शामिल है। थैंक यू वेरी मच।